हाई एवरीवन, माय सेल्फ नारायण सर फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 यस ब्लॉक। और इसके पार्ट वन में अगर हम इंक्लूडेड पार्ट की बात करें तो इंक्लूडेड पार्ट की इनके जनरल ट्रेंड्स पढ़ेंगे हम, लाइक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनमलेस नेचर। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस ब्लॉक एलिमेंट के अबाउट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यस ब्लॉक एलिमेंट दो ग्रुप से एसोसिएटेड है एंड दैट इज कॉल्ड ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ग्रुप वन नाउ इज कॉल्ड अल्कली मेटल स्टूडेंट। ग्रुप वन के एलिमेंट को हम अल्कली मेटल बोलते हैं और ग्रुप टू के एलिमेंट को अल्कनाइन अर्थ मेटल। सो यस ब्लॉक एसोसिएटेड विथ टू ग्रुप, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ग्रुप वन दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल एंड ग्रुप टू इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो ग्रुप वन की बात करें तो दिस ग्रुप कंटेन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम एंड ग्रुप टू दैट इज एसोसिएटेड विथ बेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। सो यस ब्लॉक टू ग्रुप से एसोसिएटेड है, जिसको ऑलरेडी हमने चैप्टर थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको बताया था इसके अबाउट। तो ग्रुप वन के एलिमेंट को हम अल्कली मेटल और ग्रुप टू के मेटल को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कली मेटल की बात करें आप तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम है। सो यस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें यहाँ तो ये दो ग्रुप से एसोसिएटेड है, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। अब ग्रुप वन एंड ग्रुप टू दोनों को सेपरेटली स्टडी करना अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो यहाँ क्लियर कर दें कि बोर्ड में मोस्ट ऑफ पार्ट को रिलीज कर दिया है, खासकर कंपाउंड टोटल रिलीज हो गए हैं। तो हमें जनरल इन्फॉर्मेशन, फिजिकल ट्रेंड्स, केमिकल ट्रेंड्स एंड एनमलेस नेचर इतने पॉइंट स्टडी करना है। तो वन बाई वन स्टडी करते हैं, पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप वन को। तो ग्रुप वन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन ग्रुप वन, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन इज कॉल्ड अल्कली मेटल तो ग्रुप वन के एलिमेंट को स्टूडेंट हम वर्ड देते हैं अल्कली मेटल, क्योंकि अल्कली मेटल जो वर्ड है नाउ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एल्ग्यूस मीन्स एसिस मीन्स बेस। सो ग्रुप वन एलिमेंट को हम अल्कली मेटल बोलते हैं क्योंकि इनको हम देखा जाते हैं एल्ग्यूस का मतलब होता है बेस, एसिस में मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं, इसलिए इनको वर्ड इंप्लाइज किया गया है। दिस ग्रुप एसोसिएटेड विथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम बट फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव। फ्रांसियम ग्रुप वन में स्टूडेंट रेडियो एक्टिव नेचर रखता है, तो फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो रेडियो एक्टिव नेचर रखता है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज है इसकी। सो ग्रुप वन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन इज कॉल्ड अल्कली मेटल एंड दिस ग्रुप एसोसिएटेड विद द लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम बट फ्रांसियम इज रेडियोएक्टिव इन नेचर। एंड देन आफ्टर
यहाँ हम बात करेंगे इनके जनरल ट्रेंड्स के बारे में। तो पहले फिजिकल ट्रेंड्स, फिजिकल ट्रेंड्स की बात करें तो पहला हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है। फिजिकल ट्रेंड में फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो आती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट इज NH1। सो ग्रुप वन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट NH1। सो NH1 की बात करें आप, तो पहले हमने ऐड किया लिथियम थर्ड, 1s2 2s1 सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1 पोटेशियम 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। सो लाइक ऐसे रुबिडियम 5s1 6s1 चलते रहेंगे इस पॉइंट में। तो स्टूडेंट ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप वन एलिमेंट मीन्स अल्कली मेटल। सो अल्कली मेटल के लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH1। तो आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे अबाउट द एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। सो ग्रुप वन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगले पॉइंट पर होगा हमारा डिस्कशन अबाउट द एटॉमिक साइज। सो एटॉमिक साइज ऑफ आयनिक रेडियस, एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस की बात करें, द एटॉमिक साइज ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ ग्रुप वन अल्कली मेटल इज हाईएस्ट। द एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस ऑफ ग्रुप वन अल्कली मेटल इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा है। तो एटॉमिक साइज के ऑर्डर में जहाँ पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व करें तो सबसे लार्ज एटॉमिक साइज हम अल्कली मेटल का फाइंड करते हैं, और अल्कली मेटल का साइज लार्ज होने का रीजन एंड प्लस द एटॉमिक साइज ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम। मीन्स करेक्ट ऑर्डर देखें तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इज दिस। साइज इंक्रीज क्यों होता है? द साइज ऑफ अल्कली मेटल इन ग्रुप इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो साइज कंटिन्यूस इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन हर एक बॉटम वाले एलिमेंट का न्यू सेल में एंटर करते हैं। तो इन सच वे अगर ऑब्जर्व करें तो साइज का करेक्ट ऑर्डर होगा सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन लिथियम, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज आर एट एंड रेडियस ऑफ द ग्रुप वन एलिमेंट एंड इट्स रीजन। यहाँ मेंशन किया है स्टूडेंट हमने कि नंबर ऑफ सेल, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम जाते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज होती जाती है और साइज इंक्रीज होता है। तो दैट इज द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप वन एलिमेंट। अब हम बात करेंगे ग्रुप इसके नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज अबाउट द मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर की बात करें यहां पर द मेटालिक नेचर ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट इज हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। सो मेटालिक नेचर जो ग्रुप वन एलिमेंट का वो हाईएस्ट है पीरियोडिक टेबल में और सबसे लार्ज एटॉमिक साइज के होते हैं जिससे इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन हैड लार्ज एटॉमिक साइज सो इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म केटायन, इजिली डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को और केटायन फॉर्म करता है। सो दैट्स क्लियर है मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग साइज। सो मेटालिक नेचर का ये टर्म्स हो गया। एंड द मेटल ऑफ ग्रुप वन इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर, it can be cut by sharp tools like knife। सो स्टूडेंट ये अल्कली मेटल इतने इस लार्ज एटॉमिक साइज के होते हैं कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो साइज इतने लार्ज होने से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इनको हम नाइज से भी कट कर सकते लाइक सोडियम को एंड पोटेशियम, बहुत सॉफ्ट नेचर होते हैं लार्ज एटॉमिक साइज वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द सॉफ्टनेस ऑफ द मेटल। सो अबाउट द मेटालिक नेचर एंड देन मेटालिक नेचर अगर बात करें द मेटालिक नेचर ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। सीजियम हाईएस्ट मेटालिक नेचर रखता है ड्यू टू द लार्ज एटॉमिक साइज एंड लिथियम लोएस्ट सबसे लेस रखता है ड्यू टू द मेटालिक नेचर ग्रुप वन एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग दैट्स ऑल। सो अबाउट द मेटालिक नेचर
ये टर्म्स हो गए। अब हम बात करेंगे नंबर फोर्थ प्रॉपर्टीज अबाउट द इनके सब फिजिकल नेचर। नाउ आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी एंड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर होगा हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी। सो आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल इज लोएस्ट इन होल पीरियोडिक टेबल ड्यू टू द लार्ज एटॉमिक साइज एंड वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सो द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट इज लोएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट इज लोएस्ट इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज एंड वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इट्स लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन सो ग्रुप वन के जो एटॉमिक साइज हैं सबसे हाईएस्ट है, लार्ज है और ड्यू टू द दिस रीजन और अट्रैक्शन फोर्स आर इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज वेरी लेस है, बहुत ही कम है स्टूडेंट। इन सच केस ये एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होती है। एज वी नो दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट of the any isolated gaseous atom is called आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप वन एलिमेंट इज हाइएस्ट इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू द वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन यहाँ एक इंपॉर्टेंट गैस और भी जनरेट होते हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट इज लेस देन ग्रुप टू, बट सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी आप ग्रुप वन एलिमेंट इज मोर देन ग्रुप टू ड्यू टू फुलफिल्ड एस ऑर्बिटल। सो अगर हम क्या करें यहाँ पर स्टूडेंट एज एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम बट सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम। फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन लिथियम बट सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड यस ऑर्बिटल। सो यस ऑर्बिटल इनका फुलफिल्ड है, इस रीजन से अगर हम ऑब्जर्व करें स्टूडेंट सो जो साइज है
और प्लस स्टेबिलिटी है हाफ फिल फुल फिल ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फॉर द लो एंड हाई एनिसेंथैल्पी। तो वाई द एनिसेंथैल्पी ऑफ बेरियम इज ग्रेटर देन लिथियम, क्योंकि इन केस में बेरियम का एस ऑर्बिटल फुल फिल्ड है बट वन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद लिथियम का एस ऑर्बिटल फुल फिल हो जाता है, बेरियम का हाफ फिल्ड। और क्लियर है कि लिथियम जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल होगा मोर स्टेबल होगा, सो इससे एनर्जी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो बाय डायग्राम देखते हैं इसको, लाइक लिथियम एटॉमिक नंबर 3 EC 1s2 2s1 एस में ऑर्बिटल है 1 और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ लिथियम के केस में 1 है, बट इन केस ऑफ बेरिलियम 1s2 एंड 2s2 एस है यहाँ पर फुल फिल्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है। सो नाउ बेरिलियम हियर मोर स्टेबल बट लिथियम नाउ इज लेस स्टेबल देन दिस, सो नाउ मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पर ही रीजन है कि इसका फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी इज मोर देन लिथियम, बट सेकेंड आयन इंथैल्पी का केस करें तो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड एनिसेंथैल्पी के केस में अगर इस पॉइंट को स्टडी करें तो लिथियम 1 प्लस होगा और बेरिलियम भी 1 प्लस 2 एंड 3। नाउ 1s2 हियर 1s2 एंड 2s1, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टूडेंट लिथियम इनर ऑर्बिटल फुल फिल करता है और इसका आउटर ऑर्बिटल हाफ फिल है। सो दैट्स क्लियर है कि सेकेंड केस में जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन कंपेयर टू द बेरिलियम। So that is the point about the ionization enthalpy. So that is the fourth properties. हम बात करेंगे अब fifth properties के about, जहाँ पर हम बात करेंगे इसके hydration enthalpy and electron gain enthalpy. So next point after ionization enthalpy, now fifth is electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy की बात करें तो group 1 the electron gain enthalpy of group 1 एलिमेंट इज वेरी लो इन केस ऑफ नेगेटिव बट हाई टूवर्ड पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन हम एंटर कराते हैं तो एटम एनर्जी जो लूज किया गेन करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अल्कली मेटल मेटालिक नेचर रखते हैं तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, तो हम पहला तो नेगेटिव होता बट लेस एक्शन में, बट सेकेंड हाईली पॉजिटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन अल्कली मेटल इज वेरी हाई। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे हम और बात करेंगे ऑर्डर। तो यहाँ पर लिथियम निगेटिव के केस में अगर हम देखें तो यहाँ लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम इज ग्रेटर देन रुबिडियम इज ग्रेटर देन सीसियम। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा नंबर 6 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अबाउट द हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी दैट इज डिपेंडेड द साइज ऑफ द आयंस। सो द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट इज डिक्रीज from top to bottom
with increase in atomic size. Means lithium plus is greater than sodium plus is greater than potassium plus is greater than rubidium plus is greater than cesium plus. Lithium is a single alkali metal that directly combined with atmospheric nitrogen form लिथियम नाइट्राइड्स. तो अल्कली ग्रुप के पहले तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करेंगे. आयन का साइज जितना छोटा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा. और प्लस ये सिंगल एलिमेंट है लिथियम जो नाइट्रोजन से कंबाइन होकर डायरेक्ट लिथियम नाइट्राइड बनाता है. बाकी अदर अल्कली मेटल ये टेंडेंसी नहीं रखते और डायरेक्ट वो कंबाइन नहीं होते. सो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द हाइड्रेशन एंथैल्पी. सो लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं विथ वाटर. मीन्स क्रिस्टलाइजेशन रेट सबसे हाईएस्ट लिथियम में है अबाउट द हाइड्रेशन एंथैल्पी. नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. लाइक अगला पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो पॉइंट्स आएंगे क्या. द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट of an atom, last orbit of an atom, by photon is called photoelectric effect. सो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की जब फोटॉन किसी मेटल पे कोलाइड करते हैं तो उसके सरफेस इलेक्ट्रॉन का बाहर उतना, तो इसे वर्ड देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू फोटॉन, दैट इज द डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी. सो जब ये कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, इसे वर्ड देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब हम बात करेंगे यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. तो पॉइंट्स है क्या इसके अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखें तो फोटो इलेक्ट्रॉन टर्म्स क्या है. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्रुप वन एलिमेंट. द ग्रुप वन एलिमेंट मीन्स पोटेशियम रुबिडियम सीजियम नाउ शोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो द ग्रुप वन एलिमेंट having very low ionization enthalpy so shows photo electric effect. इस रीजन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं. और इनके सरफेस पर जब हम लाइट पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और इन मेटल को यूटिलाइज करते हैं, इस प्रोसेस को यूटिलाइज करते हैं ऑटोमेटिक डोर के प्रिपरेशन में. सो दैट इज द नंबर ऑफ फिजिकल ट्रेंड्स हमने स्टडी किया अबाउट द अल्कली मेटल. सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम अबाउट द डेंसिटी स्टडी करेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट.
अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल मेटल इज वेरी लो ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज एंड वीक अट्रैक्शन फोर्स फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। सो न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक होने से, साइज लार्ज होने से इनमें सॉफ्टनेस आती है और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बहुत ही लो हो जाते हैं। एंड बात करेंगे अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल भी काफ़ी लो होते हैं, इनका ऑर्डर होता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। ड्यू टू द लार्ज एटॉमिक साइज वीक अट्रैक्शन फोर्स एंड डेंसिटी ऑफ द अल्कली मेटल इज वेरी लो एंड इट्स डेंसिटी नाउ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास आर आइदर ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। सो नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल इज नाउ कंप्लीटेड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अबाउट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्ट टू। पार्ट टू में इसके जहाँ पर हम इसके रिमेनिंग पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं न्यू पॉइंट के साथ। थैंक यू।